क्यों से रिलेटेड और एक टेक्निकल वीडियो के साथ आपका दोस्त जॉयदीप फिर से हाजिर हो गया आपके सामने। तो आज पेपर सेटिंग के ऊपर एक बहुत अच्छा वीडियो आप देखने जा रहे हो। आज का टॉपिक क्या है, देखो मैं आपको पहले पेपर सेटिंग एपिसोड 1, 2, 3 में क्या दिखाया था, दिखाया था A4 से ज़्यादा बड़ा साइज़ का पेपर को आप A4 में कैसे कन्वर्ट कर सको, जैसे A3 to A4, B4 to A4, Legal to A4, Folio to A4 मैं दिखा चुका हूँ, ठीक है। लेकिन आज मैं क्या दिखाने जा रहा हूँ आपको, A4 से छोटा साइज़ का पेज आप जूम सेटिंग्स पे जाके बड़ा करके उसको कैसे A4 में कन्वर्ट कर सको, ठीक है। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है A6 to A4, B6 to A4, ठीक है। ठीक से देखना, पूरा देखना, वीडियो को स्किप मत करना, स्किप करने से आप ही स्टेप मिस कर जाओगे, ठीक है। तो मेन वीडियो पे, मेन मशीन में जाने के पहले मेरा एक रिक्वेस्ट, मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में आपका जो भी कमेंट है वो डालते रहना, ठीक है। तो चलो मेन वीडियो की ओर। तो दोस्त मैं आ गया हूँ मशीन पे, ठीक है। चलो पहले पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कैसे आप A6 to A4, ठीक है, A6 को आप कैसे बड़ा करके A4 में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। पहले मैं एक कंटेंट बना के रखा हूँ, ठीक है। ये A6 है, कैसे समझोगे ये A6 है, ठीक है। तो चलो देखो, ठीक से देखो, देखो मेरा जो कंटेंट है, देखो A6 साइड वाला, देखो यहाँ पे, देखो देखो A6 साइड वाला, ठीक है। इधर भी देखो A6 साइड वाला। मेरे ये दिखाने का मतलब है कैसे ये पेज को सेट करोगे, ठीक है। कोई A6 पेज आए तो आप यहाँ पे रखो, रख के आप इसको सेटिंग करके बड़ा करो, उसके बाद जूम सेटिंग्स करो, लेकिन आपके कॉपी परफेक्ट मिडिल पे नहीं आएगा, ठीक है। आपका सेटिंग्स क्या होगा, कोई भी छोटा साइज का पेज या बड़ा साइज का पेज डालने का जो तरीका है वो है ऐसे, ठीक है। इस गैप को आप ठीक से कवर करना, ठीक है। तो चलो मैं दिखाता हूँ, चलो सेटिंग्स कैसे मैं ये A6 को कैसे मैं A4 में कन्वर्ट करूँ, ठीक है। कैसे मैं A4 में कन्वर्ट करूँ, मैं कॉपी करके, मेरा एक दोस्त मेरे को बोला था पेपर सेटिंग एपिसोड 3 का जो वीडियो था, आप कैसे कॉपी नहीं करके दिया, आप जस्ट सेटिंग्स दिखा के छोड़ दिया। लेकिन मैं, चलो फिर से मैं सेटिंग्स करके तुमको दिखाता हूँ पेज में कवर करके, ठीक है। तो चलो A6 to A4 का सेटिंग्स क्या होता है देख लो। पहले फंक्शन मेनू पे जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ओरिजिनल साइज ओके करो, ठीक है। उसके बाद डाउन करके आओ, A6 को ढूंढना है हमें, A6 साइड वाला, ठीक है। A6 साइड वाला को ओके करो, ओके। उसके बाद का क्या प्रोसीड्योर है, ये पेपर सेटिंग, ठीक है। मेरा सेट में तो A4 पेज सेट हुआ है, ठीक है, कैसेट में, तो उसको A4 पेन सेट सिलेक्ट हो गया, ओके करो, ठीक है। आप जो मेरा जो मेन फंक्शन है, छोटा से बड़ा करो, बड़ा से छोटा करो, जो मेन फंक्शन वो है जूम के अंदर, ठीक है। मैं जो आपको जूम का जो परसेंटेज बोलूँगा, ठीक है, वो एकदम परफेक्ट होगा। तो क्या करना है, जूम को क्लिक करके अप डाउन करके आओ, जूम एंट्री, ठीक है, ओके करो, ठीक है। देखो तुम A6 to A4 को परफेक्ट पेज को एकदम परफेक्ट आने के लिए लाने के लिए आपको सेटिंग करना पड़ेगा जूम को 200, ठीक है। तो कैसे सिलेक्ट करोगे, ये देखो 200, ये 200 आ गया है, अब ओके करो, ठीक है, ओके हो गया, ये सेटिंग कंप्लीट हो गया, आप प्रिंट करो। चलो ओके, दिखता हो कैसे आता है हमारा प्रिंट, मेरा कॉन्टिन्यू स्कैन करा हुआ है, ठीक है, ओके करना पड़ेगा, ओके। देखो कैसे आता है कॉपी, ठीक है, चलो
ये था मेरा ओरिजिनल साइज, ठीक है, A6 साइज, और कन्वर्ट होके आया ये देखो, देखो एकदम परफेक्ट आया, ठीक है। तो मेन क्या प्रोसीड्योर है, मेन तो आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। मेन जो जूम सेटिंग्स में फिर फंक्शन मेनू पे जाओ, वहाँ से A6 को सिलेक्ट करो, ठीक है, ओरिजिनल साइज से। तार फिर उसके बाद पेपर सिलेक्शन पे जाओ, वहाँ से ट्रे को सिलेक्ट करो A4, उसके बाद जूम, जूम पे जाके, ठीक है, जूम के, जूम पे जाने के बाद जो आपको मेन करना है 200 पे लाना पड़ेगा। 200 है ओरिजिनल जूम साइज A6 टू A4 कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो मैं पहले आपको दिखा दिया A6 टू A4, चलो आप तुम्हें दिखाऊंगा कैसे तुम B6 टू A4 करोगे, ओके। तो चलो ये मैं एक सैंपली कॉपी रेडी करके रखा हूँ, ठीक है, एज ए सप्लीमेंट। ये B6 को शो करेगा, देखो तुम कैसे B6 को शो करेगा, आप दिखे पाओगे, दिखने में आएगा। देखो ये, देखो ये जो एंड साइज है, देखो ये B6 पे आएगा, देखो B6 साइड वाला, B6 साइड वाला, ठीक है। और इधर भी आओ, देखो B6 साइड वाला, ठीक है। तो ऐसा जो कॉपी आएगा तुम कैसे समझोगे, ऐसा कोई कॉपी आएगा तो तुम पेज सेटअप पे रखोगे तब भी तुम पहचानोगे जे ये B6 है, ठीक है। तो आज चलो दिखाता हूँ B6 टू A4 कैसे आएगा, ठीक है। फिर से प्रोसीड्योर वही सब एक ही है, फिर से तुम देख लो, फंक्शन मेनू में जाना पड़ेगा, ओके चलो, उसके बाद ओरिजिनल साइज पे आओ, ठीक है, उसके बाद B6 को चूज करो, ठीक है, B6 साइड वाला, ठीक है, ओके करो, ओके। उसके बाद चलो पेपर सिलेक्शन पे जाना पड़ेगा, ठीक है, ये मेरा 6 सिलेक्ट किया हुआ है A4 साइड वाला प्लेन, इसको मैं ओके करूँगा, ओके। उसके बाद चलो जूम सेटिंग्स, ठीक है, चलो जूम पे चलो, स्टैंडर्ड जूम नहीं, जूम एंट्री, ठीक है, जूम एंट्री पे जाओ। तो ये ध्यान रखना, मेरा जो परसेंटेज मैं आपको दूंगा वो एकदम परफेक्ट है परसेंटेज, ठीक है, ठीक इसी परसेंट पे जाना तो आपका एकदम सही कॉपी आएगा, ठीक है, एकदम परफेक्ट कॉपी आएगा, परफेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो इसका जो परसेंटेज B6 टू A4 का जो परसेंटेज होता है वो एकदम परफेक्ट परसेंटेज होता है 160, ठीक है। तो जूम को करना पड़ेगा 160, चलो 160, एक बार इसको ओके करो, ओके, हमारा सब सेटिंग हो गया है, ठीक है। तो अब चलो ओके करता है, स्कैन, कंटिन्यू पे है मेरा मोड, ठीक है, इसलिए मुझे ओके करना पड़ेगा, फिर तभी मेरा कॉपी निकलेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं हमारा कॉपी कैसे आया B6 टू A4, देखो कैसे एकदम परफेक्ट आया, एकदम परफेक्ट, ठीक है, एकदम परफेक्ट। तो मैं आपको दिखा दिया, पहले दिखाया A6 टू A4, उसके बाद B6 टू A4 कैसे करोगे, ठीक है, वो मैं आपको दिखा दिया सही तरीका, मेन इसका जो फंक्शन है जूम का, ठीक है, कैसे जूम करने से आपको परफेक्ट आएगा, दोनों ही मैं दिखा दिया, ठीक है। मेरा वीडियो ठीक से देखो, देखना, ठीक है। और मेन जो थिंग्स मैं फिर एक बार दिखाता हूँ, ये जो पेज सेटिंग आप ऐसे, इसको ऐसे नहीं रखना, ऐसे कॉपी को रखना, ठीक है, कोई गैप नहीं आए, ऐसे रखना तो ऐसे परफेक्ट कॉपी आएगा, ठीक है, एकदम परफेक्ट आएगा, ठीक है। तो मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ढेर सारा प्यार बांटते रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो आपको मैं और एक पेपर सेटिंग के ऊपर दिखाऊंगा, कैसे आप छोटा साइज पेपर को कैसे आप बड़ा करोगे। मैं आपको दिखाया, आज दिखाया A6 टू A4, B6 टू A4, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा A5 टू A4, B5 टू A4। तब तक के लिए अलविदा, सायोनारा, टाटा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो के साथ, ओके, तब तक के लिए बाय।